दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज काफ़ी दिनों बाद मैं ऑनलाइन हो रहा हूँ, तो मैंने सोचा आज आपसे मौसम गर्मा की गर्मा के मुताबिक जो हम सॉफ्ट फूड डालते हैं तो मैं आपसे शेयर करूँ। जैसे अब गर्मी शुरू हो गई, देखिए जी, अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो हमने दालों का इस्तेमाल कम कर दिया है। जैसे ये काले चने हैं और ये सोयाबीन है, ये मोठ हैं और ये मूंगी की दाल है, ठीक है सर। अब हमने इसकी मकदार कम कर दी है और सब्जियों में ऐड कर लिया है गाजर, चुकंदर, सलाद पत्ता, घिया कद्दू, जिसे घिया कहते हैं, ये बंद गोभी और ये ग्रीड वगैरह है, ये अंडा है। मेरे दोस्त सब देख लीजिए, ये एग है, ये बंद गोभी है, ये मूंगी की दाल है, ये ग्रिट है, ये प्रॉन्स हैं और ये पुरिंगा पाउडर है, ये जई है, ये मोठ है, ये सोयाबीन और ये मोठ है और ये घिया है, सलाद पत्ता, चुकंदर, गाजर और चने। अब सर्दियां तकरीबन जा रही हैं, अब गर्म दाना बंद करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। अब जैसे कि हम काले चने, सोयाबीन, ये सोयाबीन था वो मोठ, मूंगी की दाल और जई, और ये जई। अब ये हम इसे, मतलब आप समझ लें कि मैं पहले ये 80% यूज़ करता था 20% सब्जियाँ, अब ये 30% मैं यूज़ कर रहा हूँ चने और 70% मैंने सब्जियाँ यूज़ करूँगा। अब उसके अंदर मैं एग डालूँगा, क्रश हुआ हुआ, अब पहले मैं ये प्रॉन यूज़ कर रहा था तकरीबन 1 kg सॉफ्ट फूड के अंदर 20 ग्राम, अब गर्मियाँ हैं तो इसलिए मैं 5 ग्राम यूज़ करूँगा, 1 चम्मच भर के, ताकि गर्म ना हो ना ज़्यादा। मोरिंगा पाउडर मैं वही 5 ग्राम के करीब यूज़ करूँगा। अब इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करूँगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं बंद गोभी ऐड करूँगा, फिर घिया ऐड करूँगा, ये घिया था, ये ऐड हो गया। अब ये चुकंदर ऐड करेंगे, इधर ये चुकंदर ऐड करेंगे, अब गाजर ऐड करेंगे, अब मैं इसको अच्छी तरह अब क्योंकि सलाद पत्ता जल्दी मिक्स नहीं होता अच्छी तरह, अब मैं सलाद पत्ता मिक्स करूंगा।
अब ये देखें अच्छी तरह मैंने सलाद पत्ता भी मिक्स कर लिया। और एक बात मैं आपसे अच्छी तरह शेयर कर लूं कि पूरी ब्रीडिंग सीजन में ना मैं सोलो वाइट डी ब्रीडर यूज़ करता हूं और कैल्सीवीड यूज़ करता हूं। तो जो कि कैल्सीवीड और सोलो वाइट डी ब्रीडर सीज़न के मिड में आया था मुझे, तो ये मैंने ग्रीड हद से ज़्यादा यूज़ किया है। अब तक मैं 50 किलो के करीब मैं ये ग्रीड यूज़ कर चुका हूँ। ये अहमद सिद्दीकी साहब से ग्रीड ली थी मैंने फ़र्स्ट टाइम, तो इसी साल मैंने ग्रीड यूज़ की है, पहले मैंने कभी यूज़ नहीं की थी। मतलब बर्ड इतने शौक से खाते हैं, इतने शौक से खाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये प्राउन भी उन्हीं का था, ये प्राउन और ये मुरिंगा पाउडर भी उन्होंने चीज़ लिया, क्योंकि प्राउन से सर्दियाँ जा रही हैं तो कम यूज़ करूँगा। अब ये मुरिंगा पाउडर और ये ग्रिड में अभी भी पूरी गर्मियाँ यूज़ कराऊँगा, इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और लाइव वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि किसी को दिल में ये वहम ना हो कि जी हम बाद में चेंज कर लेते हैं और हम सब्ज़ियाँ कुछ और या दिखाते कुछ और हैं। तो लाइव इसलिए मैं दिखाता हूँ लाइव कि आप लोग हम जो डाल रहे होते हैं हम शेयर कर रहे होते हैं, और मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज फोर्स नहीं करता कि आप भी यही डालें, पर मेरा मकसद है कि हम क्या डाल रहे हैं। जो सवाल आता है दोस्तों के तो हम ये डाल रहे हैं और आपके सामने लाइव डाल देते हैं। ये डालने दें इसको, उसी देर हम बर्ड्स की बात करते हैं। आए कुछ बच्चे शेयर करते हैं आपके साथ। ये देखें जी खूबसूरत बच्चा है, डी ग्रीन वैलेट ग्रीन जिसे कहते हैं। ओए छोड़ जा भाई छोड़ जा, उड़ने की जल्दी पड़ी तुझे। मोस्ट फेवरेट वायलेट यूविंग है, पार्ली यूविंग है, ये भी बस नियर टू सेल्फ है। सहम गया बेचारा। अब आपको दिखाता हूँ बर्ड्स का टाइम टेबल एक रखा करें, हम 3 बजे डालना शुरू करते हैं सभी बर्ड्स को और सभी खाने आते हैं टाइम से। लेकिन उन्होंने भी खाना शुरू किया, ये भी आया था, ये भी ये डिफरेंट पेरेंट के बच्चे हैं, पेरेंट के बच्चे हैं, एक ही बॉक्स में आपको मल्टी कलर नज़र आ रहे हैं। ये भी डिफरेंट टाइम के बच्चे हैं, और ये मैंने फेलो स्प्रेड इसके पास पोस्टर किया था। क्लाइंट पेल फेलो स्प्रेड पेल फेलो, आइए मैं आपको अपना बच्चा क्लाइंट पेल फेलो शेयर करता हूँ। ये एक
देखिए वेनिड हो गया अब, ये जी लाइन पेल फैलो है, स्प्रेड ब्लू भी है। ओ, ओ, ओ। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सेल्फ होगा। अब ये देखिए जी माशा, ये पावली यूविंग है, स्प्लिट पेल फैलो है, दोनों निकला है। ये दोनों सिर्विंग्स हैं, इंशाल्लाह ये बहुत बड़े साइज के बच्चे बनेंगे। ये यूविंग बर्ड है, जी आपको अपने अप्लायंस भी शेयर करता हूँ। ये पावलो प्लाइन दिखाता हूँ मैं आपको, इसी पेरेंट है फिशर स्प्लिट प्लाइन स्प्लिट पावलो, मेल था और एक ब्लू फिशी हेन के साथ लगाया, तो ये हेन है। ये पावलो यूविंग है और इसके अंदर मैंने अल्बिनो के अंदर पोस्ट किए हैं सारे बच्चे। अब ये देखें, ग्रीन यूविंग है, स्प्लिट उपलाइन है, स्प्लिट पेल फैलो है, स्प्लिट ब्लू है, ये 100% मेल्स हैं। ग्रीन यूविंग, स्प्लिट उपलाइन, स्प्लिट पेल फैलो, स्प्लिट ब्लू, ये मेल्स हैं। ये टू सिब्लिंग्स हैं, ये स्पेयरिंग ऐसी जिसमें से ये मेल आने थे। ये सब खाने के लिए तैयार हैं और खाते जा रहे हैं, वो देखिए जी सब खा रहे हैं। बर्ड को इंतज़ार रखे होता है, 3 बजे हम उन्हें डालते हैं तो 3 बजे ये खाते हैं। ये मेरी फेवरेट हैं ये वायलेट पावलो यूविंग उपलाइन, जिसके साथ उपलाइन स्प्रेड ब्लू का मेल है और ये पॉसिबल ये है, हाँ पहले स्प्रेड भी है। ये ऑफलाइन स्प्रेड पेल फैलो है, अब इनके बच्चे नीचे पल रहे हैं, ये सेल्फ हो गए हैं, ये सारी हैंड्स हैं विजुअल में। ये सारी हैंड्स हैं, स्लेटी पर सोनाटा देखें, बैठते नहीं आराम से, इसके साथ मैंने पावलो स्लेटी पर सोनाटा एंड लगाई हुई है। देख दो पेड़,
फेवरेट पेड़ है सुष्मिता का। वाले पेल फेलो भी खाना खाने आए नीचे। गोभी वाले पेल फेलो खाना खाने आए नीचे। फोर्स लाइन फिर बैठ गई है, फिर सारे बर्ड उपलाइन फिर फैल फैल हुए। और इसमें एक वाइडर ड्यूरिंग का पीस भी है जी, बेबी है। चलिए आज आपको बेबी रूम का विजिट करवाता हूँ। ये जी बेबी रूम है। ऑलरेडी इसमें कुछ पर्स दोस्तों के रिजर्व पड़े हुए हैं। एच पी सी मेरी फेवरेट, चल तू तो फैट को जा भाई। ये सिटिंग एरिया और ये कुछ फोस्टर पेयर के बच्चे तैयार किए हैं, ये देख रहे हैं। ये सब फोस्टर पेयर के बच्चे हैं जो अगले साल बढ़ाने हैं। ये कुछ फेलो प्लेट्स हैं ऑलरेडी, खुद के लिए भी, कुछ दोस्तों के लिए भी हैं। ये भी फोस्टर पेयर के बच्चे हैं। सब दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त है जी, सब दादा सबको अच्छी भीड़ता करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।